मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच में एक वीडियो ने भूचाल मचा दिया है और ये वीडियो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह का और इसमें जो बातचीत है उसको लेकर कांग्रेस भी बड़े बड़े दावे कर रही है और इस वीडियो को हवाला कारोबार से जोड़कर जांच की बात कर रही है। बोलता हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। सोशल मीडिया पर इन दिनों नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो राज्य की राजनीति में भूचाल लाकर खड़ा करने वाला साबित हो रहा है। कथित वायरल वीडियो में देवेंद्र तोमर फोन पर किसी बड़े कारोबारी से करोड़ों रुपए की लेन देन को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग करके 5 खातों की डिटेल मांग रहा है। इसके साथ ही वो पूछ रहा है इन तमाम खातों की जानकारी। इस वायरल वीडियो को कांग्रेस के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष की मीडिया जो कोऑर्डिनेटर हैं पीयूष बावेला, उन्होंने साझा किया है और उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी इस बात की जांच करें। वहीं इस मामले में नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले में FIR दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया समन्वयक पीयूष बावेला ने वीडियो को ट्वीट किया और कहा है कि कथित तौर पर यह नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह से जुड़ा हुआ है और इसमें करोड़ों रुपए के हेराफेरी लेन देन के बारे में बातचीत हो रही है एक बड़े कारोबारी से और इसमें दूसरा व्यक्ति ट्रांजैक्शन को लेकर डिटेल मांग रहा है और इसमें हवाला कारोबार का अंदेशा कांग्रेस जता रही है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, क्या इन पैसों का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के चुनाव में किया जाना है और इस पर सीबीआई ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इस पर कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए इस वीडियो को साझा करते हुए कांग्रेस कह रही है कि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी जांच होनी चाहिए। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्वालियर के एक व्यक्ति ने हजीरा थाने में एक शिकायत दी है जिसमें कहा गया है कि वायरल वीडियो करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो क्योंकि इसमें जो वीडियो में कंटेंट है वो चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है और इसमें करोड़ों रुपए लेन देन की बात जो प्रचारित की जा रही है वो गलत है। इसमें कहा गया है कि साजिश के तहत ये वीडियो नकारात्मक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है। वीडियो क्लिप में जिस तरह की बातें कही गई हैं और जिन लोगों का जिक्र आ रहा है वो कह रहे हैं कि हमारी छवि को खराब करने के लिए है, लेकिन इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद चुनावी मंच पर इसका इस्तेमाल जरूर किया जा रहा है। चुनाव से पहले इस तरह के वीडियो का सामने आना चुनावी एजेंसी और साथ ही जांच एजेंसियां जो इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की कार्रवाई है उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। इस पूरे मामले में बीजेपी कह रही है ये षड्यंत्र के तहत लाया गया वीडियो है, तो वहीं इस वीडियो में एक शख्स 100 करोड़, 18 करोड़ और 21 करोड़ की लेन देन की बात कर रहा है और साथ ही देवेंद्र तोमर कहते हैं कि जिस खाते में ये पैसे डालने हैं उस खाते के बारे में मैं तुम्हें जानकारी दूंगा। इस दौरान बैंक और आरबीआई के अधिकारियों का भी जिक्र होता है। इस वीडियो को देखने के बाद कांग्रेस कह रही है कि ये हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ वीडियो है, लेकिन हम भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से जांच का विषय है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद इसको लेकर चर्चा जरूर हो रही है, इस पर राजनीतिक बयान जरूर आ रहे हैं, लेकिन बिना जांच के, बिना पुष्टि के कि वीडियो सही है और किस परिप्रेक्ष्य में इसमें बातचीत की जा रही है कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी जरूर हो रही है। कांग्रेस इसे चुनाव में इस्तेमाल भी कर रही है और साथ ही ये भी कह रही है कि जिस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कांग्रेस के नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर, मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई कर रही है, किसी भी सबूत को लेकर, किसी भी व्यक्ति के बयान को लेकर, खासतौर पर भूपेश बघेल को लेकर जिस तरह का अब ईडी और सीबीआई की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है वो इस वीडियो को लेकर क्यों नहीं की जा रही है। साथ ही कांग्रेस का दावा यह भी है कि इस पूरे वीडियो की अगर सही जांच होगी तो सही लोग इसमें गिरफ्त में भी आएंगे। हालांकि इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि ना तो कांग्रेस कर रही है और ना ही अभी किसी एजेंसी ने की है।